हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की जिला स्तरीय बैठक हमीरपुर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान अजमेर सिंह ठाकुर ने की। बैठक में निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा की गई। पदाधिकारियों ने रोष प्रकट किया है कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने भी निगम की सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अनदेखी की है। पूर्व सरकार के कार्यकाल में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया गया। बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कहा कि नवम्बर व दिसम्बर 2017 तथा जनवरी की पेंशन का भुगतान निगम प्रबंधन की ओर से नहीं हो पा रहा है। उन्होंने इस बात पर भी हैरानी जताई है कि निगम के सेवारत कर्मचारी तथा अधिकारी 137% डीए ले रहे हैं तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 113% डीए ही उन्हें दिया जा रहा है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वरिष्ठता का लाभ नहीं मिल रहा है। इस वर्ग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 65-70-75 आयु वर्ष 5-10-15% का लाभ भी नहीं मिल रहा है। प्रदेश के दूसरे विभागों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ये लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। प्रदेश के पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने साथ हो रहे अन्याय की चक्की में पिस रहे हैं। हिमाचल पथ परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के प्रदेश अध्यक्ष बलराम पुरी की अध्यक्षता में कर्मचारियों का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर से धर्मशाला में मिला तथा उन्हें मांग पत्र भी सौंपा गया। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। पथ परिवहन निगम के पूर्व कर्मचारियों को प्रदेश की नई सरकार से उम्मीद जागी है कि इस वर्ग को राहत प्रदान की जाएगी। बैठक में पथ परिवहन निगम के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों में सगली राम, छवील सिंह, बलदेव सिंह, अशोक कुमार, ओम प्रकाश, सुखदेव, जगदीश सिंह आदि मौजूद रहे। परिवहन सेवा में कर्मचारी कल्याण मंच की जो हमीरपुर इकाई है उसकी बैठक हर माह 7 तारीख को की जाती है, तो आज भी फरवरी माह की बैठक जो है 7 तारीख को संपन्न हुई। उसमें करीब 60-65 जो कार्यकर्ता थे उन्होंने भाग लिया और अपनी जो हमारी पेंशन की समस्या स्थायी समाधान की उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई। जैसा कि पिछली सरकारों के पास भी हमने गुहार लगाई, माननीय राज्यपाल जी से मिले, कोर्ट का भी फैसला था उच्च न्यायालय का कि इन परिवहन के सेवा कर्मचारियों को जो पेंशन है वो हमारी पहली तारीख को दी जाए, परंतु निगम और सरकारें जो हमारे साथ अनदेखी करती आ रही हैं। पहले भी हमारे को 2017 में 5-5 महीने की पेंशन जो ड्यू चलती रही है और कई बार 5 महीने के बाद या 4 महीने के बाद 1 महीने की पेंशन डाल दी जाती है। पिछले पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व परिवहन मंत्री जी से भी कई बार हम मिल चुके हैं, उन्होंने भी आश्वासन के सिवा हमें कुछ नहीं दिया। अब नई सरकार बनी है उससे हमें उम्मीद जगी है कि क्योंकि परिवहन सेवा कर्मचारी प्रदेश की जो कार्यकारिणी हमारी है श्री बलरामपुरी जी उसके अध्यक्ष हैं, वो कांगड़ा में जो धर्मशाला में 3 तारीख को बैठक हुई कैबिनेट की, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और माननीय परिवहन मंत्री जी से भी मिले और उन्हें एक सूत्रीय मांग पत्र जो है वो पेंशन के स्थायी समाधान के लिए सौंपा गया और नई सरकार से आग्रह किया गया कि हमारी पेंशन का जो है स्थायी समाधान करें ताकि वरिष्ठ नागरिक होने के नाते हमें दर दर की ठोकरें ना खाने पड़े। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और माननीय परिवहन मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि आपकी जो एक समस्या है बहुत गंभीर है, बहुत पहले से चल रही है, इसके बारे में हम जल्द से जल्द कोई निर्णय देंगे। और परिवहन मंत्री जी ने यहाँ तक कहा कि 18 फरवरी से पहले मैं प्रदेश कार्यकारिणी को बुलाऊंगा।